अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिलने के मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए काफी एक्शन में है। वहीं मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सचिन वाजे के बचाव में उतर आई है, साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मेरा मानना है कि सचिन वाजे एक बहुत ही ईमानदार और सक्षम अधिकारी हैं। उन्हें विस्फोटक की छड़े पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है और एक संदिग्ध की मौत भी हुई है। मामले की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है, किसी केंद्र टीम की जरूरत नहीं थी। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है, बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडिया मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है, उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी मामलों का गुनाह का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की, उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुनाह, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, हाँ, खून पसीना बहाकर भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी, और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई अंबानी के घर के सामने गाड़ी में जो विस्फोटक पाया गया था, उसकी और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए और एटीएस कर रहा है। जो कुछ भी सच होगा वो सामने आएगा और उसके हिसाब से ही कार्यवाही की जाएगी। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच, और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच, एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है, और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।